Welcome dear students to another part of our class standard second subject Gujarati. तो बच्चों हमने first part में देखा था मूलाक्षर जो क ख ग घ हमने पढ़े थे, ठीक है. उसके बाद हमने second part में देखा कि दो अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्द. तो आपणे आज जोवाना छे चार अक्षरो वाला काना मात्रा वगरना शब्दों. शुं जोवाना छे? चार अक्षरों वाला काना मात्रा वगरना शब्दों. तमे बे अक्षर वाला काना मात्रा शब्दों लखी लीधा छे ने, एवी ज रीते आज आपणे चार अक्षर वाला काना मात्रा वगरना शब्दों जोवाना छे. तो जो एने कई रीते वांची शकाय छे, तमने आवडतुं हशे ने हवे. तो चलो मारी साथे तमे वांचो. शुं छे आ? अ पछी ज प्लस ग प्लस र. तो एने केवी रीते वंचाशे हवे? अ ज ग र. तो शू थाय? अजगर. क्या होता है? अजगर. कैसे पढ़ेंगे उसको? अजगर. जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, वैसे यहाँ पे नहीं पढ़ना है हमें. कैसे पढ़ना है? डायरेक्टली अजगर अजगर. फिर नेक्स्ट है क्या है? ये स प्लस र प्लस ब प्लस त. तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? स र ब त. हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे स र ब त, ऐसे नहीं पढ़ना है. कैसे पढ़ेंगे? शरबत. उसको एक ही साथ में बोलना है, शरबत, ठीक है. फिर नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? तुमने खबर पढ़े छे? અહીંયા મેં કંઈક શબ્દ લખેલા છે તે આપણને વાંચવાના છે. આપ સબને મૂળાક્ષર જો હૈ વો લર્ન કર લીએ અચ્છી તરહ સે. તો અભી હમ પઢેંગે. ક્યા હૈ યે? ફ ટ ફટ. ઉસકો કૈસે પઢેંગે? ફટ ફટ. ક્યા પઢેંગે? ફટ ફટ. ઉસકે બાદ હૈ ક ટ ક ટ. આપ સ્લોલી પઢ સકતે હો લેકિન ઉસકે બાદ મેં આપકો પૂરા એક સાથ મેં પઢના હૈ. તો પૂરા એક સાથ મેં કટ કટ. क्या पढ़ेंगे? कट कट, ठीक है. फिर है न ट ख ट. आप हो ना, राइट? तो न ट ख ट, नटखट. कैसे पढ़ेंगे उसको? नटखट. फिर है ग ड ब ड, गड़ बड़. कैसे पढ़ेंगे? गड़बड़. एक साथ में ही हमें पढ़ना है तो गड़बड़, क्योंकि एक ही शब्द है और हमने शब्द की व्याख्या सीखी थी. तो वैसे ही तो उसको साथ में ही पढ़ना है. जैसे यहाँ पे प्लस दे के लिखा है तो हम पढ़ने का जब सीखते हैं तब हम एक एक वर्ड याद करके पढ़ते हैं. आपने जो मूलाक्षर सीखे हैं क ख ग, तो आप पहचानने में आपको शायद टाइम लगता होगा. तो आप पढ़ सकते हो न ट ख ट, लेकिन आपको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है? नटखट. डायरेक्ट आपको नटखट, गड़बड़. फिर है स ग व ड. कैसे पढ़ेंगे? सगवड़ सगवड़. फिर है धम 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 धम. क्या पढ़ेंगे उसको? धम धम. फिर है नटवर नटवर. क्या बोलेंगे उसको? नटवर नटवर. ऐसे नहीं पढ़ना है. कैसे पढ़ना है? नटवर, क्योंकि वो एक ही शब्द है, ठीक है. फिर नेक्स्ट है घड़पन घड़पन. क्या पढ़ेंगे इसको? घड़पन. आपने याद कर लिया, फिर उसको डायरेक्ट बोलना है घड़पन. फिर उसके बाद है क्या है? ये ज ग म ग, झगमग. उसको पढ़ेंगे झगमग. कैसे पढ़ेंगे? झगमग. फिर है वड़तर वड़तर. उसको पढ़ेंगे वड़तर. उसके बाद है स र घ स सरघस. तो उसको हम पढ़ेंगे सरघस. कैसे पढ़ेंगे? सरघस. चारों चारों मूलाक्षर को हमें एक ही बार में साथ में बोलना है, स र घ स. उसके बाद है करवत करवत. क्या पढ़ेंगे उसको? करवत करवत, ठीक छे. अवे आपणे जोईए आ शुं छे? खाली जग्या पूरो, फिलिंग द ब्लैंक. जो हम पढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक, तो यहाँ पे हमें ऐसे मूलाक्षर लिखने हैं जिससे ये कोई शब्द बन जाए, ठीक है. शब्द का क्या बोला था व्याख्या आपको मैंने? अनेक मूलाक्षर ने एकत्रित करीने जे बने छे तेने शब्द कहवाय. एक से ज़्यादा जो मूलाक्षर को ज्वाइन करके जो बनता है उसे कहते हैं शब्द. तो हमें यहाँ पे शब्द बनाना है. तो न के आगे हम क्या लिखेंगे तो ये कोई शब्द बनेगा?
बोलो न के आगे क्या लिखेंगे हम? न के आगे लिखेंगे, बोलो व। तो ये क्या हुआ? व न। क्या हुआ? व वजन नो व अने न नर नो न। तो उसको क्या पढ़ेंगे? वन। क्या पढ़ेंगे? वन। फिर है ड। तो ड के आगे क्या लिखेंगे तो शब्द बनेगा? याद करो, लिखेंगे व। वर्ड क्या लिखेंगे? क्या बनाइए? वर्ड। वर्ड नु झाड़ होय छे ने, एवी ज रीते आ बहनु वर्ड। शू बहनु? आ शब्द वर्ड। हवे आपणने अहींया वच्चे लखवानुं छे, यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक जो है वो बीच में है। ये तीन अक्षर वाला शब्द है, तो इसके अंदर हम क्या लिख पाएंगे? बोलो। क फिलिंग द ब्लैंक र। क म लिखेंगे तो होगा ये कमर। क्या होगा? कमर। नेक्स्ट है खाली जगह ग न। खाली जगह में हम क्या लिख सकते हैं? छ लिखेंगे। छ छ ग न। क्या लिखेंगे? छ ग न। फिर उसके बाद है खाली जगह। खाली जगह झट। क्या है? झट। तो यहाँ पे हमें दो शब्द लिखने हैं, यहाँ पे हमें चार अक्षर वाला शब्द बनाना है, यहाँ पे हमें दो अक्षर लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे तो वो एक शब्द बन जाएगा? हम वहाँ लिखेंगे झट। क्या लिखेंगे? झ झबला नो झ, ट टपाली नो ट। तो आ थसे झट झट। शू थसे? झट झट। फिर है ये भी चार अक्षर वाला है जो हमने अभी पढ़ा ना, चार अक्षर वाला काना मात्रा वगैरह शब्दों, तो ये उसी तरह ये भी है चार अक्षर वाला। अभी यहाँ पे लिखा है सर, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? स ने र। तो आ थसे सर 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 सर। सुवंचा से सर सर। कैसे पढ़ना है इसको हमें? सर सर। तो अभी बच्चों हमने देखे दो अक्षर वाले काना मात्रा वगैरह शब्दों, फिर पछी हमें आपने जोयू त्रण अक्षर वाला काना मात्रा वगैरह शब्दों, ने त्यार पछी आपने जोयू छे चार अक्षर वाला काना मात्रा वगैरह शब्दों। एने जॉइन करीने शू थाय छे? शब्द। मूळाक्षर ने एक करता वधारे मूळाक्षर ने भेगा करीने थाय छे तेने कहेवाय छे शब्द। हवे आपणे જોવાના છે વાક્ય બનાવતા, જેવી રીતે તમારી પાસે બુક છે તો બુકમાં તમે જોઈ શકો છો। દેખો યહાં પે ઇસ બુક કે અંદર યહાં પે ચિત્ર દિયા હે, ક્યા હે? બોય હે। ફિર ક્યા હે? ટોયઝ હે, રમકડા છે ને અહીંયા। પછી છે બાળક ઊભું છે, તો યહાં પે ક્યા હે? બચ્ચા કે હાથ મેં ક્યા હે? લાસ્ટ વાલે પિક્ચર મેં ખિલોના હે, રિમોટ હે। તો હમે યહાં પે દેખો દિયા હે, क्या लिखा है यहाँ पे? रजत रमत रम। जैसे हमने इस शब्द इस यहाँ पे मूळाक्षर के अंदर प्लस लगा के जो शब्द बनाया है, उसी तरह हमें इस शब्द को ज्वाइन करके वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे रजत प्लस रमत प्लस रम, तो इससे हमें वाक्य बनाना है। तो केवी रीते बनावीशु? अहीं आपणे लखवानुं छे रजत रमत राम। मतलब क्या हुआ इसका? क्या हुआ इसका मतलब? रजत रमत राम। रजत को क्या बोल रहे हैं कि रजत गेम खेलो, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है? बॉय है, कखग छे, अने बॉय ब्लैकबोर्ड पर लखे छे, अने यहाँ लखेलू छे अक्षय अक्षर लक। अक्षय प्लस अक्षर प्लस लक, ठीक छे। तो हवे आने आपणे वाक्य बनावानुं छे, तो केवी रीते बनशे वाक्य? राइट। तो शुं बनशे वाक्य? अक्षय अक्षर लक। अक्षय अक्षर लक मतलब अक्षय बोर्ड पे कुछ लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्षय अक्षर लक। जब हम वाक्य बना रहे हैं तब हमें यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है, ठीक है। जब वाक्य बना रहे तब ये प्लस हमें निकाल देना है, तो ये बनेगा अक्षय अक्षर लक, ठीक छे।
एवज रीते आग त्रण नंबर यहाँ पे देखो क्या है, बच्ची है, गर्ल है, वो क्या कर रही है, मम्मी के पैर छू रही है और यहाँ पे पकड़ा है। यहाँ पे लिखा है पलक प्लस पग प्लस पकड़। क्या लिखा है? पलक प्लस पग प्लस पकड़। पलक मतलब बच्ची का नाम है, पग मतलब लेग पैर, और पकड़, पकड़ मतलब पकड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य क्या बनेगा? पलक पग पकड़। क्या बनेगा? पलक पग पकड़। हमें क्या करना है? सिर्फ ये जो प्लस है इसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पलक पग पकड़। ठीक छे, सुबहनु वाक्य पलक पग पकड़। समझन पड़ी तमने? आपणे जे शब्द बनावीए छे, शब्दमां जे प्लस छे ते काढी मूळाक्षर एक एक मूळाक्षरने एकत्रित करता लखवामां जे आवे छे तेने शब्द कहेवाય છે, અને શબ્દને એકત્રિત કરવામાં આવે છે તેને વાક્ય કહેવાય છે। તો આપણે અહીંયા વાક્ય કમ્પ્લીટ કરેલા છે। इसी तरह आपको यहाँ पे और दो वाक्य कंप्लीट करने हैं, तो इसको आप कर पाओगे ना, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी है खाली जगह पूरो। मैंने आपको इतना करके दिखाया है, आपको ये आगे वाला जो है वो करना है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अभी हमने क्या पढ़ा? चार अक्षर वाला काना मात्रा वगैरह शब्दों सीखे, उसके बाद खाली जगह पूरो, खाली जगह में हमें एक मूळाक्षर डालना है जिससे कोई शब्द बन जाए, और यहाँ पे है नीचे ना चित्र जो ही वाक्य बनाओ। आपके बुक के अंदर चित्र दिया है, उसको देख के वहाँ पे शब्द भी लिखे है, उसको ज्वाइन करके हमें वाक्य बनाने हैं। नीचे ना चित्र जोइने वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाए दिए है तीन, आपको और जो यहाँ पे दिए है बुक के अंदर वो आपको बनाने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे वाला सब्जेक्ट। ठीक छे, थैंक यू।